दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में, हर एक सेक्टर के बारे में। लेकिन उसके अलावा कुछ सवाल आपके मन में होंगे कि यहाँ से क्या हमें सेल ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पैनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है और शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो कि आपको 18,000 पे हमारा एडवाइस था कि बुक करने के लिए। वो क्यों था ये चार्ट के साथ मैं आपको दोबारा बताऊँगा, और क्यों यहाँ से हमें रिवर्सल मिला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आगे क्या होने वाला है इसकी भी बात हम करेंगे कि क्या यहाँ पे सही प्राइस मिल रहा है बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर ये गिरावट और ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, फॉल आ जाएगा, तो वो कौन से लेवल होंगे जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा मैं स्टॉक्स की बात करूँगा कि कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, जहाँ पर गिरावट ज़्यादा आएगी, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बेरिश है और यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट इसमें कंटिन्यू रहेगी, ये वीक स्टॉक्स है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक भी है जो एक तरफ मार्केट पूरी तरह से गिर रहा है और वहाँ पे उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई, कुछ स्टॉक ग्रीन में भी थे, तो उनकी आज हम बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक की क्या यहाँ पर पैसा लगाना सही होगा, जो इन्होंने पहले अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है लास्ट वीक में, वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, उनको डिप में बाय कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाय करना सही होगा या फिर मार्केट क्रैश होने वाला है, अगर क्रैश होगा तो कितना बड़ा होगा। सारे सवालों के लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस चार्ट के साथ मैं आपके सामने रखूँगा, मन की बात नहीं करूँगा, मैं आपके सामने लॉजिकल बात करूँगा और ये चार्ट के सामने आपको कन्विंस करके दिखाऊँगा चार्ट को देखिए। उसके अलावा मेरे पास और भी कुछ इंडिकेटर्स है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं पर्सनली कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन से सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। एक एग्जांपल है, मैं आपके सामने रखना चाहता था इसको। एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है और उन्हें ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है। ऑब्वियसली मैंने यही कहा था कि इस तरह से हम ट्रेड करेंगे तो वो इमोशन जो है वो डिसिप्लिन को टेक ओवर कर देंगे और हमें लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ थैंकफुली। और इन्होंने 75,000 के कैपिटल के साथ, अगर आप देखोगे तो इस 75,000 कैपिटल के साथ इन्होंने दो दिन में 60,000 कमा लिए। अब इसका प्रूफ मैंने आपके सामने डाला हुआ है और ये वही कॉल है जो मैंने यहाँ पे दिए हुए, और अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपको और भी कई सारे कॉल दिखेंगे। अदानी पोर्ट का सी हमने दिया था 53 से 68 पे 9 सितंबर को। उसके अलावा बैंक निफ्टी के भी कई सारे कॉल आपको दिखेंगे जो 75 से 175 तक ये सी चला गया था। उसके बाद यहाँ पे एक कॉल हमने दिया था। उसके अलावा मैंने लेवल्स भी दिए थे और मैंने कहा था कि ये जो रेंज है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपको साइडवेज मोमेंट ही मिलता रहेगा। दोनों के लिए मैंने रेंज बताया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अब इसके साथ एक आखिरी चीज़ ये भी है कि मैंने ACC का कॉल दिया था जो 128 से 248 तक चला गया एक ही दिन में, और अगले ही दिन मैंने मारुति का भी कॉल दिया था, यानी थर्सडे को, जो जिसने भी बम्पर रिटर्न दिए, जिसने भी पैसा डबल करवा दिया। तो ये जो कॉल्स है दोस्तों, अगर इस तरह के कॉल्स आपको चाहिए, अपडेट्स आपको चाहिए, इस तरह से आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो ये ऑफ़र आपके सामने है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को पूरी तरह से स्क्रॉल कीजिए, ऑडिट कीजिए, परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कुछ दिनों तक, फिर डिसाइड कर लीजिए। लेकिन इसमें एक ऑफ़र मैंने और ऐड किया हुआ है कि आपको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पिक का एक्सेस भी मिलेगा। अब रिसेंटली वहाँ पे मैंने कैनफिन होम दिया था, उसके अलावा मैंने एक्साइड दिया था, उसके अलावा अभी रिसेंटली रेडी को दिया हुआ है, तो ये सारे स्टॉक और चार्ट के साथ दीपक फर्टिलाइज़र मैंने दिया था। तो कुछ स्टॉक्स मैं इन्वेस्टमेंट पिक्स में डालता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 महीने के लिए ही सब्सक्राइब करते जस्ट वन टाइम, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, वो आपके लाइफ में चलता रहेगा जो हम देते रहेंगे, और वहाँ पे आप सेविंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ होता है या फिर हमारे साथ रिसेंटली फाइनल सेमीफाइनल में हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, हम टारगेट को चेस कर रहे हैं, रन रेट भी ज़बरदस्त है, विकेट हाथ में, सब कुछ सही चल रहा है, और सडनली एक विकेट गिर जाता है और उसके बाद पूरी तरह से वो फॉल आ जाता है और हम मैच हार जाते हैं, ये आपने बहुत बार देखा होगा। अब ये जो सिचुएशन है ये कुछ मैं कहूँगा रिलेट हो रहा है यहाँ पे बुल्स के साथ, क्योंकि बेयर्स जो आते हैं वो बड़ी एक ही दिन में बड़ी ताकत के साथ आते हैं, बड़े पावर के साथ आते हैं, और जो बुल्स ने जो काम बनाया था पिछले एक दो हफ्ते में वो पूरा उन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली EMI को इन्होंने तोड़ दिया, डेली
20 EMI को, और वीकली की तरफ मुझे लगता है ये जा सकते 16700 या 16800 के पास। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें, पहली चीज़ ये कि लगातार 3 या 2 वीक के अपसाइड के बाद ये जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो इंटेंस सेल ऑफ आया है इसमें हमने 17700 का लेवल तोड़ दिया। 17700 यानी वो लेवल है जो क्रॉस करने के लिए हमें 1-2 हफ्ते लगे थे, वहाँ से हम नीचे भी आए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेली चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये 1, 2 और 3 कैंडल जो 18000 को क्रॉस नहीं कर पाए, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा फॉल देने के बाद फिर से ऊपर आने के बाद हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ गए, फिर से हम इसे क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आ गया। तो ये जो लेवल था इसको क्रॉस करने के लिए हमें लगभग 1 महीना लग गया, और उसके बाद उससे हमें 1 दिन में ही हमने तोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला, ये लाइन हमने कंफर्टेबली ब्रेक किया हुआ था और यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे, और ये लगातार 3-4 वीक तक हम ऊपर जा रहे थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब दोस्तों इसमें बुल्स के लिए अच्छी बात ये है कि हमने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, इसको नहीं तोड़ा है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हमने क्रॉस किया था, जिसको हमने 3-4 बार हम पिछले 1-2 साल से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, हम वहाँ से नीचे आ रहे थे, यानी ये यहाँ पे 1, 2 और ये 3, लेकिन यहाँ पे हमने इसे क्रॉस कर दिया और अभी तक तोड़ा नहीं है। तो ये बुल्स के लिए मैं कहूँगा एक अभी तक एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जिस तरह से सेल ऑफ आया है अगर ये वहाँ पे नहीं रुका तो ये टूट भी सकता है, और यहाँ से अगर हम टूटते नीचे आते तो फिर मैं कहूँगा कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाएगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैंने बहुत पहले ड्रॉ किया हुआ है, ये दो लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला लाइन है यहाँ पे 17700 17800, जिसके मैंने अभी आपसे बात की और वहाँ पे मैंने आपसे कहा कि इसको क्रॉस करने के लिए 1 महीना लग गया। ये दूसरा लाइन आपके सामने ये है 16800 का, ये वाला लाइन यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये जो 16800 का लाइन है ये अगर टूट जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट सीधा 15600 या 15200 तक चला जाएगा। ये सपोर्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक हम जा सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे जाते तो बड़ा बेहतरीन सुनहरा मौका होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरे सामने जो निफ्टी का एनालिसिस है वो ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम नीचे आ सकते हैं, 17200 17300 का हमारा एक सपोर्ट है, उसके बाद 16800 पे हमने बेस बनाया था, हमारा बॉटम बना था, टेम्प्ररी बॉटम जहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते, लगभग उसी के आसपास हमारा वीकली 20 EMI भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके हम रुक सकते, और अगर यहाँ से हम नीचे जाते तो फिर एक बड़ा क्रैश आ जाएगा। बुल्स के लिए मैं बता दूँ, यहाँ से अगर हम रिवर्सल देते तो दोबारा मुझे लगता है कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने तक हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते और फिर हम ऊपर जा सकते। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है जिसकी मैंने बात की थी, कई बार की थी, और आप लोगों को याद भी होगा कि जिसकी मैंने काफ़ी एनालिसिस के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ये जो हमने पिछला स्विंग हाई लगाया था यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पिछला स्विंग हाई हमने लगाया था, मैंने कहा था कि 18000 सिर्फ एक हर्डल है साइकोलॉजिकल, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे। तो दोबारा अगर हम नीचे आए तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें इसी हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि 18150 का लेवल है। 18150 जब क्रॉस हो जाएगा तभी मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी सपोर्ट जो है वो 17200 17300 पे हमें मिल सकता है। तो ये जो स्विंग हाई हमने पहले बनाया था मुझे लगता है वही आपको एक हर्डल के तौर पे दिखेगा, बहुत बड़ा हर्डल जहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों लेवल्स के बारे में, तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो मैंने लेवल्स दिए थे 17850 का सी हमें बाय करना था, उसके बाद हम ऊपर चले गए 18050 18100 को ऑलमोस्ट टच करके आए। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सी बाय करना है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि 17700 को हमें तोड़ना पड़ेगा। 17750 अगर टूट जाता है तो फिर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आप 17700 का सी बाय कर सकते हैं, और मेरा टारगेट होगा 17850, उसके बाद 17950, उसके बाद आएगा एक बड़ा हर्डल जो मैं कहूँगा माउंट एवरेस्ट वाला हर्डल है, वो है 18150, और उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको सी बाय करना है, अगर आपको लॉन्ग जाना है इस मार्केट में, तो मैं आपसे कहूँगा आप तभी लॉन्ग जाइए
जब हम 17750 को तोड़ेंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग जाना थोड़ा सा रिस्की होगा तब तक जब तक मार्केट होल्ड नहीं करता 17200-17300 पे। गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेल ऑफ करना है, 17740 का ही लेवल मैंने आपको दिया था और उसी के बाद तुरंत 100-200 पॉइंट का फॉल भी आ गया, तो अभी जो हमारा सपोर्ट बना था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है कि 17450 अगर टूट जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से नीचे जाने में 17350, उसके बाद 17200 और फिर हम जा सकते हैं 17050 के पास। दोस्तों 17200 और 17750 ये हमारे फ़िलहाल एक मुझे लगता है एक रेंज है हमारा, और वो रेंज जब टूटेगा तभी आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखेगा। फ़िलहाल मुझे लगता है बेयर्स की तरफ ही हम लोग यहाँ से फेवर में, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो 17200-17300 पे चले जाएंगे। मेरा अंदाज़ा ये दोस्तों, निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट के लिए मैंने 17450 का लेवल दिया हुआ है जो कि अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन अगर ये टूटता है और डेली कैंडल में हम इसके नीचे चले जाते तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि ये जो है ये निफ्टी से कम वीक है, और मैं आज भी ये मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो टॉप गेनर दिखेगा निफ्टी के हीट मैप में वो इंडसइंड बैंक दिखेगा, तो सारा मार्केट एक तरफ और यहाँ पे इंडसइंड बैंक ऊपर जा रहा था। एक्सिस बैंक भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें अपसाइड आई थी, लेकिन ये होल्ड कर रहा था अपने आप को। तो कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक आपको थोड़े से ग्रीन में दिखेंगे जहाँ पे बाइंग आ रही है, तो ये होल्ड कर रहे बैंक निफ्टी को, और हमने 40500 का लेवल होल्ड किया हुआ है। अब मेरा ये मानना है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको निफ्टी में रेंज दे दिया 17200 वाला और 17750 वाला, उसी तरह से यहाँ पे एक बहुत ही इजी हमारे पास रेंज है और काफ़ी इजी तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 40000 और 41000 का रेंज। अभी फ़िलहाल हम उस रेंज में, लेकिन 41000 को हमने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक आप यहाँ पे सी बाय नहीं कर सकते, आप लॉन्ग नहीं जा सकते। सी बाय करने का एक दूसरा मौका आपको मिलेगा यहाँ पे, 40500 को अगर हमने होल्ड कर लिया और वहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे, मान लीजिए यहाँ पे इसे टच करके हम दोबारा ऊपर जा रहे तो एक मौका बन सकता है, अदरवाइज़ अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम और नीचे चले जाएंगे और तब आप यहाँ पे 40500 का पी बाय कर सकते हो। निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो रेंज था वो था 40050 के ऊपर, जो कि हम यहाँ से 1000 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हो गया और वहाँ से हम नीचे भी आ गए। अभी के लिए मेरा जो रेंज है वो ये कि 41150 अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ से 39050 अगर ब्रेक हो जाता है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको नीचे आते हुए दिखेंगे 950, हम यहाँ से नीचे आते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में, और आपको कम से कम 1000 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो मैं आपको स्टॉक देने से पहले फिर से बता दूँ, निफ्टी में 17200-17300 की तरफ हम जा रहे हैं, इवेंचुअली हो सकता है अप्स एंड डाउन्स के साथ जाएंगे, लेकिन वहाँ से अगर हम टूटे तो हम और भी नीचे चले जाएंगे और बड़ी तेज़ी से हम नीचे चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हम 17700 की तरफ जाते और उसे क्रॉस करते तो फिर यहाँ से एक अटेम्प्ट हो सकता है 18000 के नज़दीक जाने का। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां से 41000 जब तक क्रॉस नहीं होता या फिर 40500 का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, और अगर हम सपोर्ट को तोड़ देते तो ऑब्वियसली हम यहां से 40000 के नज़दीक चले जाएंगे। 1000 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको तब मिलेगा जब ये रेंज टूटेगा। निफ्टी में भी मैंने आपको रेंज दिया हुआ है, तो जिन लोगों को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, कम रिस्क चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो लोग बड़े रेंज का वेट कर सकते हैं। SGX निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम गैप अप में खुलते हैं तो वो जो आपको गैप अप मिला हुआ है वो सोल्ड ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे सेल ऑफ आ जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टॉक देने से पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में। कई सारे वीडियोज़ मैंने आपके सामने लाए, भारत का भविष्य तय करने वाले मल्टीबैगर स्टॉक्स, हर एक सेक्टर के स्टॉक, मोनोपोली वाले स्टॉक यहाँ पे अगर आप देखोगे, उसके बाद स्टेडिली ऊपर जाने वाले 20 EMA को पकड़ के ऊपर जाने वाले स्टॉक्स, जिसका स्ट्रेटेजी मैंने शेयर किया हुआ है, और यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियोस भी है। तो आपके वीकेंड को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाइए और इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा आपको सीखना कहाँ है और आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो जब कोरोना का पीरियड आया था दोस्तों, तब हमारा पी रेशो था
16 के आसपास, 16 के आसपास, और हम हाई लगा चुके 35-40 के आसपास। तो मैं आपसे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको SIP करना है तो आप अभी कर सकते हो, आपके पास अभी भी मौका है। लॉन्ग टर्म यानी आपका व्यू कम से कम 4-5 साल का होना चाहिए। बीच में अगर कोई फॉल आता है तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप बाय करोगे SIP के जरिए। तो ये जो पी रेशो है ये अभी 21 के आसपास है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम नीचे गिरे हुए पी में, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गिरावट बचा नहीं है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी रेशो की बात करूँ। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मामला है वो बुल्स के फेवर में है, और हो सकता है यहाँ पे एक अपसाइड आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि 17750 अगर क्रॉस हो जाता है तो ही वो अपसाइड होल्ड करेगा, अदरवाइज वो सेल ऑफ हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 131,000, और उसके बाद 18,000 पे 152,000। तो 17750 अगर क्रॉस हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। बात करूँगा स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे IT के बारे में। IT में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला था जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था, लेकिन अभी के लिए हम इस जोन में जा रहे हैं। ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जोन में हम अगर फंस जाते हैं तो यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप या तो आप अभी बाय कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 24,200-24,300 के आसपास अगर हम आते हैं इस जोन में तो आप IT स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे थे, उसमें दीपक नाइट्राइट था, ये ऊपर गया था, टारगेट हिट भी कर चुका है। लक्ष्मी केमिकल और बालाजी अमाइंस में मैंने कहा था कि यहाँ पे केमिकल स्टॉक में ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है, ये मैंने पिछली बार आपके सामने कहा था। और नवीन की भी मैंने बात की थी, नवनीत की सॉरी। उसके बाद SBI की मैंने बात की थी, SBI 550 को जब तक होल्ड करेगा, 550, तब तक मैं ये कहूँगा कि ये ब्रेकआउट रिटेस कर रहा है और यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाएगा 550। ITC जितना 300 के नज़दीक जाएगा उतना आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे आप दो बार बाय कर सकते हैं, या तो 320 पे एक बार, और 300 के नज़दीक अगर जाता है तो वहाँ पे एक बार। टाटा पावर की मैंने बात की थी, मैंने कहा था ये बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, एक छोटा सा ब्रेकआउट है, लेकिन 250 क्रॉस करना होगा जो इसने नहीं किया। मैक्स हेल्थ की मैंने बात की थी, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पैटर्न जो है वो ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, और ये पैटर्न अगर ब्रेक हो गया तो बड़ी तेज़ी से अपसाइड आएगी, मार्केट एक तरफ गिरेगा और ये मैक्स हेल्थ केयर दूसरी तरफ भागेगा। एस्ट्रल की मैंने बात की थी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था लेकिन मुझे लगता है ये रीटेस्ट हो रहा है और ये 2200 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाटा इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की थी, और ये जो कैंडल है और ये जो वॉल्यूम है इसमें, इस तरह का टेक्स्ट बुक वाला जो ब्रेकआउट है वो आपको बहुत कम बार देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा मैंने इस स्टॉक को प्रेडिक्ट भी किया था 1500 पे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1507 पे मैंने स्टॉक दिया था, और वहाँ से अभी सारे टारगेट हिट हो गए, मार्केट एक तरफ और ये स्टॉक एक तरफ, 2700 तक ये जा चुका है और ये फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ से दोबारा ये ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा मैंने कई सारे स्टॉक शेयर किए थे। अब दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ और स्टॉक्स भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा एक लॉजिक रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है, आपको डिप में बाय करना है, आपको अभी बाय नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले आता है रेडिको। रेडिको में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है और मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आप देखोगे कि ये जो 1000 के आसपास इसका एक सपोर्ट है जहाँ पे इसने पहले होल्ड किया था, मुझे लगता है ये दोबारा वहीं पे आपको होल्ड करते हुए दिखेगा यहाँ पे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो जितना 1000 के नज़दीक आप बाय कर सकते हैं उतना बेटर होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आप व्यू रखते हो तो आपको SIP के जरिए बाय करना होगा। KEI मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है, 500-600 पे मैंने इसको बाय किया था, ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। और ये अगर नीचे आता है दोबारा तो इसी ब्रेकआउट को ये रिटेस करेगा और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। 1480 की तरफ अगर ये आता है तो आप बाय कर सकते हैं, ये आपका पहला बाय होगा। कैनफिन होम मैंने आपको पहले भी दिया था, ये स्टॉक में कप एंड हैंडल का पैटर्न बन चुका है, ये मैंने आपको दिया था 635 पे, ये चला गया 675 पे। इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में मैंने ये स्टॉक दिया था और यहाँ से अब ये दोबारा नीचे आया है, दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं। आप अगर आप अभी बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 600 या 590 का, और टारगेट होना चाहिए वही 675 का, लेकिन आपको अभी बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है।
दीपक, फर्टिलाइज़र की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और वहाँ पे जो अमोनिया प्लांट्स क्लोज हो रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, उसका फ़ायदा दीपक को मिलेगा। ये 1000 की तरफ जाने वाला पहला स्टॉक था मेरा जो लिस्ट मैंने शेयर की थी, मैंने अपना वोट भी इसी स्टॉक को दिया था और ये ऑलमोस्ट वहाँ पर जाके आया। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ से 800 या 750 तक आ जाए, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और 1000 को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक एक साल में आपका पैसा डबल कर देगा। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ चार्ट के साथ, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है या फिर यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है या मौका बन रहा है ये आपके ऊपर है, लेकिन चार्ट मैंने शेयर किया था और उसके अलावा कई सारे स्टॉक मैंने यहाँ पे दिए थे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैनफिनोम, हैवेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे, L&T मैंने दिया हुआ है जहाँ पे पैटर्न बन रहा है, अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। और L&T में अगर ब्रेकआउट आता है तो इस तरह का स्टॉक जो बड़ा एक मैमूथ और काफ़ी जायंट कंपनी है वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो मार्केट अगर गिरता भी है तो भी मैं कहूँगा कि आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब कौन से स्टॉक है जाते जाते मैं आपको बताऊँगा कि जो निफ्टी को नीचे लेके आ सकते, ये बड़ा आसान सा कैलकुलेशन रहेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो मुझे लगता है IT में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। टेक महिंद्रा आपको यहाँ पर दिखेगा, इन्फोसिस आपको यहाँ पर दिखेगा, विप्रो आपको यहाँ पर दिखेगा, TCS दिखेगा, और मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज जो है वहाँ पे मंथली चार्ट में RSI 90 के आसपास गया है, तो अदानी एंटरप्राइज, उसके अलावा IT स्टॉक्स, उसके अलावा मुझे लगता है ग्रासिम और HDFC लाइफ जैसे स्टॉक, और जो ऑटो स्टॉक में अपसाइड आई थी वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, तो ये स्टॉक आपको गिरावट देते हुए देखेंगे। फार्मा मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करेगा, और बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं मुझे लगता है वो थोड़ा सा ड्रैग ज़रूर करेंगे, लेकिन वही स्टॉक्स आपको दोबारा होल्ड करते हुए दिखेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। और अगर आपको सेफ बेट बाय करना है, डिफेंसिव बेट बाय करना है, तो ऑब्वियसली आप सन फार्मा, ITC इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, निफ्टी में अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 200-300 पॉइंट की आपको इवेंचुअली गिरावट दिखेगी, हो सकता है यहाँ से हम होल्ड करते हुए दिखेंगे 17-200-17-300 पे, जो कि हमारा फिलहाल एक लेवल है। और यहाँ से मान लीजिए अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 17-750 जो है वो हमारा पहला हर्डल होगा। और यहाँ पे दोनों कैंडल्स की मैं बात करूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश है, ये नीचे आ रहा है, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, आपको डिप में बाय करना है, थोड़ा सा उसे आने दीजिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 40 और 41 हज़ार का लेवल है, 40 हज़ार के पास हमारा 20-day EM है, उसे हम होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाते तो दोबारा हम 41 हज़ार के रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। HDFC निफ्टी प्लस में दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर प्लस में खुलता है तो सोल्ड ऑफ हो जाएगा, हम नीचे चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं खुलता है, गैप डाउन में खुलते, बड़े गैप डाउन में 100-200 पॉइंट के गैप डाउन में, तो थोड़ा सा वहाँ पे बाय हो सकता है, वहाँ पे शॉर्ट करने की गलती मत करना। US डॉलर जो है वो एक दिक्कत देगा, लेकिन वो एक होल्ड कर रहा है अपने आप को यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, लेकिन ये फिलहाल कंसोलिडेशन में, तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा। IT के मैं बात कर चुका हूँ, IT में मैं कहूँगा कि एक ब्रेकडाउन ज़रूर आया है, लेकिन यहीं से हमने बाउंस बैक भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से हमने पहले बाउंस बैक दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैप होने से अगर आपको बचना है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए IT में, अगर कोई बड़ा अपसाइड आता है तो वहाँ पे सेल ऑफ कर लीजिए। SBI 550 को होल्ड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, टाटा इन्वेस्ट में ब्रेकआउट है, रेडिको, दीपक फर्टिलाइज़र, KEI इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ में कैनफिन होम भी, और L&T का भी स्टॉक मैंने आपको बताया जो मैंने इन्वेस्टमेंट ग्रुप में दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एन्जॉय योर वीकेंड, थोड़ा सा उसे प्रोडक्टिव बनाइए हमारे ट्रेनिंग प्लेलिस्ट के साथ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।